हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है कॉर्डिलाइन, एक गुड लक प्लांट। फ्रेंड्स, इसके कई नाम हैं फ्रेंड्स, कॉर्डिलाइन, फ्रूटिकोसा, टी प्लांट, ड्राइसिना, गुड लक प्लांट, हवाईयन प्लांट, बहुत सारे नाम हैं इसके, कई नामों से जाना जाता है इसको। और इसकी लगभग 15 प्रजातियाँ हैं, इसकी 15 कैटेगरी हैं इसकी। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है और ये जिस घर में लगा हो उसमें गुड लक लेकर आता है प्लांट। गुड लक प्लांट है इसलिए इसका नाम। और इसको अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए और ये इससे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, प्रोस्पेरिटी सब कुछ आता है फ्रेंड्स। बहुत ही गुड लक प्लांट है फ्रेंड। और इसकी मिट्टी फ्रेंड्स, सॉइल की बात करूँ तो इसकी 50% सॉयल और एक भाग सैंड और एक भाग वर्मी कंपोस्ट रखिए। इसमें पोरस मिट्टी बनाइए इसकी ताकि पानी ना रुके उसमें। कोकोपीट भी मिला सकते हैं लेकिन मैंने नहीं मिलाई है, बस इसकी पोरस मिट्टी रखनी है ताकि पानी उसमें ना रुके। जितना पानी हम डालें उसका एक्स्ट्रा जो भी होगा वो सारा नीचे निकल जाए और अगली बार पानी इसका मिट्टी चेक करके ही डालें। बस नमी बना कर रखे प्लांट में। और ये कटिंग से भी ग्रो होता है और इसमें पप्स भी निकलते हैं, नीचे पप्स लग आ जाते हैं इसमें और कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसकी 2 कटिंग लगाई हैं फ्रेंड्स। छोटा था तभी मैंने इसको कट करके लगा दिया था, कटिंग करके, और वहाँ से 2-3 ब्रांच इसके एक्स्ट्रा निकले हैं इसलिए इतना हैवी बुशी सा हो गया है प्लांट। अब बहुत लंबा प्लांट हो गया है फ्रेंड्स ये, इसलिए इसको घर में ज़रूर लगाना फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर प्लांट है। और इसको लोकेशन की बात करूँ तो इसको शेमी शेड एरिया में रखिए फ्रेंड्स। ये आउटडोर और इंडोर दोनों जगह रख सकते हैं। आउटडोर में रखना है तो शेमी शेड में रखिए और इंडोर रखना है तो इसको वहाँ रखिए। ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ ब्राइट लाइट आती हो फ्रेंड्स, क्योंकि ब्राइट लाइट से ही इसकी पत्तियों में कलर आता है। ज़्यादा तेज़ धूप में मत रखिए, इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी नहीं तो। जबकि मेरा तो यहाँ बालकनी में ये शेमी शेड है, यहाँ पे थोड़ी धूप इसको मिलती है लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो मैं इसको कपड़े से, किसी भी चीज़ से कवर कर देती हूँ, सारे प्लांट्स कवर करती हूँ क्योंकि मेरी बालकनी में बहुत तेज़ धूप आती है गर्मियों में। और ये मेरा कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा ग्रो हो गया है, हेल्दी हो गया प्लांट। ये छोटे पॉट में लगाया था मैंने और अब ये बहुत ही हेल्दी प्लांट है। अब इसकी पत्तियों का कलर नहीं निकला है क्योंकि इसके ऊपर धूप आती है थोड़ी, और इसको भी शेमी शेड में रखूँगी तो इसकी पत्तियों का कलर निकल के आ जाएगा पिंक कलर। बहुत ही सुंदर कलर है इसका, और नीचे डार्क पत्तियाँ होती हैं, ऊपर इसका लाइट लाइट पिंक पिंक कलर आता है। और फ्रेंड्स, इसकी सॉइल की मैंने बात कर ली है, वाटरिंग की बात कर ली है, फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, इसको गोबर की खाद बहुत पसंद है, गोबर की खाद इसको दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लांट बनता है उससे। साल में 2-3 बार अगर गोबर की खाद देंगे तो ये बहुत हेल्दी प्लांट रहेगा। वैसे इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, मंथ में एक मुट्ठी भी इसमें डाल देंगे आप तो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा फ्रेंड्स। और बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, जो उपला होता है उसका फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ लिक्विड, और उपला भिगो देती हूँ पानी में 2 दिन के लिए और उसमें थोड़ी सरसों खली डाल देती हूँ और उसका मिक्सचर बना के अगले दिन पानी में डाइल्यूट करके आधा पानी और आधा वो मिला के मैं पानी इसमें दे देती हूँ, सारे प्लांट्स में देती हूँ मैं। वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक है, कुछ नुकसान भी नहीं होता प्लांट्स को, और इसी से इसका कलर सुंदर बनता है फ्रेंड्स। और इसको केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए, मैं तो कभी नहीं देती केमिकल फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही मैं ज़्यादा देना पसंद करती हूँ, प्रेफर यही करती हूँ कि इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की खाद, बस यही मैं देती हूँ। और इसमें पेस्ट की बात की जाए, पेस्ट तो इसमें लगता नहीं है, अगर लग भी जाए तो वही बस नीम ऑयल और हैंड वॉश मिला के उसका स्प्रे कर देती हूँ मैं सारे प्लांट्स पे। और ये मेरा सोंग ऑफ इंडिया का प्लांट है, ये भी इसी श्रेणी का प्लांट है, इसी कैटेगरी का है ये भी, सोंग ऑफ इंडिया, बैम्बू प्लांट, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और फ्रेंड्स, अपने घर में ज़रूर इसको जगह दीजिए, ड्रेसिना को ज़रूर लगाइए और अपने घर में गुड लक लाइए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूं। और मुझे फ्रेंड्स बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ताकि मैं आगे सुधार